Hello everyone, my name is Shraddha and welcome to my channel. आपको पता है आजकल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में. अगर हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रिवेलेंस की बात करें इंडिया में तो वो है 22 से लेकर 39% प्रिवेलेंस, यानी कि इतने पॉपुलेशन लोग उस पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड है उसको उसका प्रिवेलेंस बोलते हैं. तो ये इंडिया में काफी ज्यादा है. अगर हम फीमेल्स यानी महिलाओं की बात करें 65 ईयर अब की एज की, तो उसमें 45% महिलाएं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड है. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम घर पे ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले हम जानेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉजेस के बारे में, इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं या तो इसे हम कैसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं. अब हम कैसे जाने कि हमें जो नी पेन है वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से. तो पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे कि आप जब सीढ़ियां चढ़ते हैं या उतरते हैं तब आपके नी में पेन होता है या तकलीफ होती है. आप जब जमीन पर बैठते हैं तो आपको पैर सीधा करके बैठना पड़ता है. जब जमीन पर से खड़े होते हैं तो आपके नी में पेन होता है या डिफिकल्टी होती है. जब पैर को सीधा करते या मोड़ते हैं तो उसमें से आवाज आती है या आपको पेन होता है. अगर आपका जवाब हाँ है तो यस, आपको जो नी पेन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है. अब हम देखते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस किस वजह से होता है. तो सबसे पहले है शरीर का वजन बढ़ना. ज्यादा वजन होने के कारण भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है. अगला जो कॉज है वो है कैल्शियम की कमी के कारण भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है. कुछ लोगों के पैर अंदर की तरफ या तो बाहर की ओर मोड़े होते हैं, उससे क्या होता है कि आपका शरीर का वजन नी पर एक ही पॉइंट पर आने की वजह से भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है. फीमेल्स में ज्यादा होता है मेल के कंपैरिजन में. रिपीटेटिव इंजरी नी पर एक ही जगह पर बार बार चोट लगने की वजह से भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है. अब हम देखते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट में कौन से चेंजेस होते हैं. हम सभी जानते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजनरेटिव डिजीज है. हमें नी जॉइंट ऐसे दिखाई देता है, पर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में दो बोन्स के बीच की जगह जिसे कि हम जॉइंट स्पेस कहते हैं वो कम हो जाती है और बोन की सरफेस में भी चेंज आ जाता है. अब हम देखते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम करने के लिए या तो आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए. सबसे पहली चीज है आपको अपने शरीर का वजन कम करना है. दूसरी चीज है आपको सीढ़ियां चढ़ना उतरना और जमीन पर बैठना अवॉइड करना है या तो कम करना है जब तक कि आपका नी मैकेनिज्म सही नहीं हो जाए. आप सीधा पैर करके भी जमीन पर नहीं बैठ सकते. आपको बैठने के लिए पलंग, कुर्सी या तो स्टूल का इस्तेमाल करना है. या लगाकर सोना नहीं चाहिए. चलते समय आप नी कैप भी पहन सकते हैं. अब हम देखते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम करने के लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं.